टपारी एक ऐसी दुधारू गाय है, दूध निकालो कोने में खड़ी कर दो। दिल्ली में चल रही सीलिंग की कार्यवाही से परेशान व्यापारियों की नींद उड़ गई है, पर सीलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। सीलिंग के मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने एक आपात बैठक बुलाई और सीलिंग को लेकर आगे की रणनीति बनाई। बैठक में व्यापारियों ने ये तय किया कि वो किसी भी हाल में सीलिंग को नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। भाई साहब, हमारे पास दो में से एक विकल्प है, या तो हम तेल डाल करके अपने आप को जला लें, समझ गए बात को, या तो हम ये कर लें, या फिर हम दुकानें बंद करके चाबी मोदी जी के और इनके सुप्रीम कोर्ट के यहाँ भिजवा दें हमारी दुकानों की। एक भी व्यक्ति अगर हमारी मार्केट में किसी तरीके की ये सीलिंग की वजह से परेशान होगा तो वो सबसे पहले हम वहाँ पर खड़े होंगे, हम अपने ऊपर मुकदमा लेंगे, उसके ऊपर सीलिंग की गाज नहीं गिरने देंगे। सर, सीलिंग के मुद्दे पे एक ही बात है, करो या मरो। विनती करना चाहूंगा कि जब तक सीलिंग का बंद ना हो, कोई भी पक्के पे माल ना बेचे, कच्चे में माल बेचे, सरकार की दुकान बंद करो, सरकार को टैक्स मत दो। व्यापारियों का ये भी कहना है कि उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो अपने ऊपर तेल डालकर आत्महत्या कर ले, या फिर अपनी दुकानें बंद करके चाबी कोर्ट को सौंप दे। व्यापारियों के सलान के बाद देखना ये है कि उनकी धमकी कोई रंग ला पाती है या नहीं। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।